कहानी का कथानायक है, कहानी का नायक है। कौन है? लेखक आनंद यादव। ठीक है, तो उसने क्या किया, अपनी लगन से, ठीक है ना, अपनी कोशिशों से वो पाठशाला जाने लगा, ठीक है ना। तो फिर वो जब पाठशाला शुरू हुई उसकी, तो वो बोल रहा है पाठशाला जाने लगा तो सिरे पर कौन बैठ, उस पाठशाला के कोने में जाकर वो बैठ गया। मास्टर कौन है इसका उसको पता नहीं था। पुरानी किताबों और पुरानी कॉपियों का उस कक्षा से कोई संबंध नहीं था, क्योंकि नई कक्षा में आ गया था, ठीक है ना। फिर भी लट्ठे के बने थैले में उन्हें ले आया था। भाई चलो, उससे क्या सोचा कि खाली जाने से अच्छा है कि जो मेरे पास पुरानी कॉपी किताबें हैं उनको ही मैं क्या करूं, बैग में भरकर ले चलूं। लट्ठा था बहुत ही पहले का, जो सूती कपड़ा आता था गाढ़ा गाढ़ा सा, उसका थैला बनाया गया था, उसमें लेके आ गया। बस अड्डे पर कोई लड़का अपनी पोटली संभाले किसी इंतजार में जैसे बैठा होता है, उसी तरह मैं अपनी पढ़ाई की पुरानी धरोहर संभाले बैठा था। उदाहरण क्या दिया है कि जैसे बस अड्डे पर, ठीक है, कोई व्यक्ति बस अड्डे पर क्या करता है कि जो भी उसका सामान होता है, चाहे वो पोटली में हो चाहे वो सूटकेस में हो, ठीक है ना, उसको बड़े संभाल कर बैठता है। उसको डर लगता है कि कहीं उसका सूटकेस या उसका सामान इधर उधर ना हो जाए या कोई दूसरा उसको ले ना जाए, तो उसको क्या करता, बड़े संभाल के बैठता है। ऐसे ही लेखक जो है वो एक साल बाद पांचवी क्लास में आकर बैठा, तो उसके पास पुरानी कॉपी किताबें थी, वो उसके लिए किसी धरोहर से कम नहीं थी, इसलिए वो उसको बड़े मतलब बहुत संभाल कर अच्छे से उसका ध्यान रखते हुए वो कक्षा में आकर बैठ गया। क्या नाम है? मेहमान, ठीक है, नया दिखाई देता है या गलती से इस कक्षा में आ बैठे हो। कक्षा के सबसे ज्यादा शरारती चौहान के लड़के ने सामने आकर खिल्ली उड़ाने के स्वर में पूछा, जब वो नया नया कक्षा में आया था, क्योंकि उसका क्या था, एक साल का गैप लग गया था, ठीक है, उसके साथ वाले जो बच्चे थे वो आगे की कक्षा में चले गए थे, तो इस कक्षा में उसको कोई जानता नहीं था, तो क्या पूछा कि नया मेहमान इस क्लास में आया है, और ये भी पूछा कि तुम गलती से इस क्लास में आके बैठ गए हो, और इस क्लास का सबसे शरारती लड़का था चौहान, ठीक है। उसने मजाक की आवाज में, मजाक करते हुए लेखक से ये पूछा, मेरे ध्यान में आया कि मेरी पोशाक भी अजनबी जैसी है और बाकी बच्चों की जैसी पोशाक थी वैसी पोशाक उसकी नहीं थी, थोड़ी अजनबी सी दिखाई दे रही थी। बालूगढ़ी की लाल माटी के रंग में मटमैली हुई धोती और गमछा पहनकर मैं अकेला ही था। जहां पर वो रहता था उस जगह का नाम था बालूगढ़ी, उसकी मिट्टी कैसी थी, लाल मिट्टी, और वो बच्चा खेतों में काम करके आया था, इससे क्या होता, धूल में उसका जो कलर था वो मटमैला हो गया था, और गमछा जो पतला तौलिया है वो पहनकर ही वो आ गया। देखे देखे तुम्हारा गमछा, अब बच्चा शरारती था तो उसका गमछा कहते हुए बोला, दिखाओ तुम्हारा गमछा, कहते हुए उसने मेरा गमछा खींच लिया, ठीक है। अब लेखक क्या सोच रहा है कि अब मेरा गमछा पूरी कक्षा में इसकी खींचातानी होगी और फट जाएगा, मतलब सारे बच्चे मेरे इस गमछे को खींचेंगे, पतला तो पहले से ही है और खींचने के कारण ये फट जाएगा। ये कौन सोच रहा है? आनंद लेखक सोच रहा है। मन में यह सोचकर मैं रुआसा हो गया और वो उसको थोड़ा सा मन में रोना आ गया, लेकिन वैसा हुआ कुछ नहीं, जैसे उसने सोचा था वैसे नहीं हुआ। उसने क्या सोचा था, क्या सोचा था गमछे के बारे में, पतला गमछा है ना, खींचा था नहीं होगी वो, कहना से खींचेंगे और वो फट जाएगा। हाँ ठीक है, बिल्कुल सही। उस लड़के ने उसे अपने सिर पर लपेट लिया, क्या किया उस लड़के ने, खींचने की बजाय उसने उसको अपने सर पे बांध लिया, मास्टर की नकल करते हुए उसे उतार कर टेबल पर रख दिया और अपने सिर पर हाथ फेरते हुए खुश की आवाज की, ठीक है, इतने में मास्टर आ गए और वह गुंडा झट से अपनी जगह पर जा बैठा, मेरा गमछा टेबल पर ही रह गया। पहले दिन ही इस घटना ने मेरे दिल की धड़कन बढ़ा दी और छाती में धक धक होने लगी। जब उसने जाते ही उसने सामना किया शरारती लड़का है, उसके गमछे को खींच लिया गया, ठीक है ना, इन सारी घटनाओं को देखकर उसकी जो दिल की धड़कन बढ़ गई, और वो मतलब पहले दिन वो क्लास में कक्षा में जाने से वो डर गया,
यदि ऐसा ही होता रहा तो मैं कैसे कक्षा में बैठूंगा और कैसे फिर मैं 2 महीने में अपनी पढ़ाई पूरी कर पाऊंगा। रण लवरे मास्टर कक्षा में आए। मास्टर का नाम है। टेबल पर मटमैला गमछा देखकर उन्होंने पूछा, किसका है रे? मेरा है मास्टर। लेखक ने जवाब दिया, ये मेरा है। तू कौन है? जानते नहीं थे उसको, पहली बार आया था क्लास में, तो पूछा कि तू कौन है। मैं जकाते, ठीक है ना, मैं पिछली क्लास का लड़का हूँ। ये क्या है जकाते का मतलब? पिछले साल का। पिछले साल फेल होकर मैं इसी कक्षा में बैठा हूँ। गमछा ले जा पहले। उसने छड़ी से मेरा गमछा उठाकर नीचे डाल दिया। मैं उसे उठाने गया तो कहा, यहाँ क्यों रखा है मूर्खों की तरह? तुम्हारा की तरह गमछा इस टेबल पर क्यों रख दिया? तू मूर्ख है क्या जो उसको लाकर मतलब यहाँ पर रख दिया? तो कहा कि मैंने नहीं रखा मास्टर, उस लड़के ने मेरे सिर से छीन लिया और यहाँ पर रख दिया है। यह चव्हाण का बच्चा बिना बात के उठक पटक करता है। अब शैतान बच्चों को क्या होता है, क्लास के जो अध्यापक होते हैं वो सब जानते हैं। आईना जो शैतानी करता है उसको सब जानते हैं। तो उसको पता था कि जो जवान है बिना बात किसी भी बात की उठा पटक करता रहता है, इधर से उधर सामान को करता रहता है। कहते हुए मास्टर उस लड़के की ओर चले गए। मास्टर ने मेरे बारे में और भी पूछताछ की और वामन पंडित की कविता पढ़ाने लगे। बीच की छुट्टी में जब मतलब जैसे रिसेस होती है अपनी, उस छुट्टी में धोती की काज उस लड़के ने 2 बार खींचने की कोशिश की। धोती का जो किनारा होता है जहां से लपेटा जाता है उसको खींचने की कोशिश की, लेकिन मैं फिर दीवार की तरफ पीठ करके जा बैठा। तो लेखक ने क्या किया, अपनी पीठ दीवार की तरफ कर ली ताकि आगे से उसकी धोती के किनारे को खींचा ना जा सके। तो पूरी छुट्टी होने से पहले उठाई नहीं। खिलौने के लिए बनाए गए कौवा के बच्चे को खुले में रख देने पर जैसे कौवे चारों ओर से उस पर चोंच मारते हैं, वैसा ही मेरा हाल हो गया। लेखक उदाहरण दे रहा है, जैसे हमने खिलौने के लिए मिट्टी से कौवा बना लिया, उसके ऊपर काले रंग पोत दिया, ठीक है, और उसको बाहर आंगन में रख दिया, तो दूसरे कौवे क्या करते हैं, उसको कौवा समझ के उसके चारों ओर घूमने लगते हैं, उस पर चोंच मारने लगते हैं। भाई कहीं मर, अगर हरकत नहीं करता तो वो सोचते हैं कहीं मर तो नहीं गया, इस कारण वो क्या करते हैं, उसके ऊपर चोंच मारने लगते हैं। तो ऐसा ही हाल उस लेखक का क्लास में हो गया था कि चारों ओर से बच्चे जो थे उसको परेशान करने लगे थे। फिर कह रहा है कि मेरी ही पाठशाला मुझे चोंच मार मार कर घायल कर रही थी। वो कह रहा है कि मैं इसी पाठशाला में पढ़ा हुआ था, लेकिन 1 साल का गैप हुआ, इस कारण मेरा नाम फेल के आगे लिख दिया गया, ठीक है ना। तो अब जो है मेरी जो पाठशाला है वो ही मुझे परेशान कर रही थी। लेखक ने ये कहा, घर जाते समय सोच रहा था कि लड़के मेरी खिल्ली उड़ाते हैं, धोती खींचते हैं, गमछा खींचते हैं, तो इस तरह कैसे निभा होगा, कि मैं कैसे निभा पाऊंगा? यदि रोज मेरी खींचा तानी होती रही तो मैं क्लास में कैसे बैठूंगा, कैसे अपना काम कर पाऊंगा? नहीं जाऊंगा ऐसी पाठशाला में। एक बार उसके मन में ख्याल आया कि ऐसी पाठशाला में मुझे जाकर नहीं पढ़ना, इससे तो अपना खेत ही अच्छा है, चुपचाप काम करते रहो। तो फिर यहाँ पर अभी लेखक के साथ ऐसी घटना हो गई, इस कारण क्या हुआ, इसको एक तो पाठशाला जाने में डर लगा और वो सोच रहा कि रोज रोज मेरे साथ ऐसा ही होगा तो मैं क्लास में नहीं पढ़ पाऊंगा, ठीक है। इससे मन में ख्याल आया उसको, फिर खेत की और वो क्लास की वो तुलना करने लगा, ठीक है। वो सोच रहा है कि चलो इससे बढ़िया तो मेरी खेती थी, वहां पर कम से कम कोई मुझे परेशान करने वाला तो नहीं था, मैं चुपचाप अपना खेती का काम करता रहता था, इसलिए ऐसी पाठशाला में मुझे नहीं जाना। फिर ये भी कह रहा है कि गली के सिर्फ 2 ही लड़के हैं कक्षा में, वो भी मुझसे भी कमजोर है और वे मेरी क्या मदद करेंगे पढ़ने में, क्या है वो दोनों बच्चे भी बहुत कमजोर है। जिन 2 बच्चों को वो जानता था, सिर्फ उस पूरी कक्षा में सिर्फ 2 बच्चे उसको जानते थे और वो उनको जानता था, लेकिन वो 2 बच्चे क्या थे, लेखक से पढ़ने में बहुत ज्यादा कमजोर थे, तो उनसे किसी प्रकार की मदद की लेखक को आशा नहीं थी। मन उदास हो गया, ये सारी बातें सोचकर लेखक दुखी हो गया। 4th से 5th तक पाठशाला अपनी लगती थी। जब वो वहां लगातार पढ़ रहा था तो जो सारी विद्यालय पाठशाला थी वो उसको अपना सा लगता था, लेकिन अब वह एकदम पराई पराई जैसी लगने लगी है। अपना वहाँ कोई नहीं है, उसके जो भी जानने वाले बच्चे थे सब आगे की क्लास में चले गए थे, इस कारण वो पाठशाला उसको अजनबी सी लगने लगी। सवेरे हो जाने पर मैं उमंग में था, फिर से पाठशाला चला गया।
सुबह उठा तो फिर उसके मन में पढ़ने का भूत सवार था, पढ़ने का उत्साह था, ठीक है, वो पढ़ने को उत्साहित था, इस कारण वो सब चीजें भुलाकर फिर से पाठशाला चला गया। माँ के, लेकिन उससे पहले उसने क्या किया, माँ के पीछे पढ़कर एक नई टोपी और दो नाड़ी वाली चड्डी मैल खाऊ रंग की 8 दिन में मंगवा ली। रंग कैसा था उन चड्डियों का, जिसमें मैल खाऊ मतलब जिसमें मैल का पता ना चले, यदि गंदी हो जाए तो पता ना चले, इस रंग की उसने दो चड्डियां बनवा ली। और पहले के जो बेचारे बच्चे जो सरकारी स्कूलों में पढ़ते थे वो क्या करते थे, चड्डी बनियान में स्कूल चले जाते थे, ठीक है ना, तो उसने भी क्या किया, दो चड्डियां सिलवा ली, चड्डी पहनकर पाठशाला में और धोती पहनकर खेत पर जाना शुरू कर दिया। अब देखो, धोती पहनकर तो वो खेत में जा रहा है, चड्डी पहनकर वो पाठशाला में जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्यों जा रहा है बताना जरा, कोई बता सकता है, हम उसकी धोती की इच्छा था सब। हाँ, क्योंकि बच्चे क्या कर रहे थे, उसकी धोती की खींचतानी करते थे, गमछे की खींचतानी करते थे, गमछा वो सिर पर लपेट के जाता था तो उसने उसकी जगह टोपी सिलवा ली, ठीक है, और खींचतानी के डर से उसने चड्डी सिलवा ली। मंत्री नामक मास्टर कक्षा अध्यापक के रूप में बीच में आए, जो मंत्री नामक जो मास्टर थे वो बीच में उनके कक्षा अध्यापक बने, यानी कि क्लास टीचर बने। वो प्राय छड़ी का उपयोग नहीं करते थे मारने के लिए, वो पहले के मास्टर ज्यादातर क्या करते थे, हाथ में डंडा रखते थे, वो भी पतली सी नीम के पेड़ की छड़ी रखते थे, उससे मारते थे, तो उससे क्या होता था, बहुत जोरदार लगती थी बच्चे के, तो ये मास्टर क्या करते थे, छड़ी नहीं रखते थे, लेकिन क्या करते थे, हाथ से गर्दन पकड़कर, हाथ से गर्दन पकड़ते और पीठ पर घूसा लगाते थे, ठीक है, और पीठ पर एक जोर का बैठते ही, इनकी पीठ पर एक घूसा पड़ते ही लड़का हूक भरने लगता था, लड़के के मुंह से रोने भरी आवाजें निकलने लगती थी जैसे ये घूसा पड़ता था। लड़कों के मन में उनकी दहशत बैठी हुई थी और लड़के उनसे बहुत ज्यादा डरते थे। इसके कारण उधम करने वाले लड़कों को प्राय मौका नहीं मिलता था, वो मतलब जब मंत्री नामक मास्टर उनके कक्षा के क्लास टीचर, कक्षा के टीचर बन गए, क्लास टीचर बन गए, तो जो उधम करने वाले बच्चे थे वो अक्सर मतलब उन्होंने शैतानी करना छोड़ दिया था, क्योंकि उनको पता था कि जैसे मास्टर को पता चलेगा तो हमारी खैर नहीं है, तो उस क्लास में फिर क्या हुआ, उधम यानी शैतानी कम हो गई और पढ़ने वाले लड़कों को शाबाशी मिलने लगी। मंत्री मास्टर गणित पढ़ाते थे, एकाध यदि सवाल गलत हो जाता तो उसे वे अपने पास बुलाकर उसको अच्छे से समझा देते थे, और एकाध लड़के की कोई मूर्खता दिखाई दी तो वो उसे वहीं ठोक देते थे। यदि कोई मान लो बच्चा जो है सवाल चल रहा और कुछ गलत सलत कर दिया समझाने के बाद भी, तो वो वहीं पर उसकी पिटाई कर देते थे, इसलिए सभी का पसीना छूटने लगता, इसलिए उनसे सब डरने लगते। सभी लड़के घर से पढ़ाई करके आने लगे, यानी कि जो बच्चा घर से पढ़ाई नहीं करके आता था वो भी उनके डर से, उनकी मार के कारण घर से पढ़ाई करके आने लगा, ठीक है। आजकल के बच्चे क्या है, हाथ लगा रहा तो रोना हो जाता है, ज्यादा मार दो तो पेरेंट्स को बुला लाते हैं, भाई आपने हमारे बच्चे के हाथ कैसे लगाया, ठीक है ना, इसलिए पहले जितनी मतलब जोर जबरदस्ती जो है बच्चे से नहीं कर सकते, आईना बात समझ में, तो क्या होगा कि आश्रम के बच्चों को ना पढ़ने का मौका मिल रहा है, वो पढ़े तो ठीक है, नहीं पढ़े तो ठीक है, जिनको अपने करियर की चिंता है, भाई हमें पढ़ना है कुछ बनना है, जो अपने पेरेंट्स के हालात को समझते हैं वो ये सोचते हैं कि भाई नहीं पैसे ऐसे थोड़ी आते हैं, फीस ऐसे थोड़ी चुक जाती है, बड़ी मुश्किल से पैसे कमाए जाते हैं, ठीक है ना, तो यदि जिनको अपने पेरेंट की चिंता है वो लोग तो बिना कहे पढ़ेंगे, लेकिन जो बच्चे नहीं पढ़ते, बड़े मौज मस्ती में रहते हैं, ठीक है ना, वो नहीं पढ़ते हैं, लेकिन पहले ऐसे लोग भी पढ़ते थे क्योंकि डर था उनके अंदर, टीचर का डर था, ठीक है ना, मास्टरों का डर था, और सरकारी स्कूल से बहुत बड़े बड़े पदों पर लोग बाग पहुंचे हैं पहले के। आजकल तो जो बच्चे, जिस बच्चे में पढ़ने की लगन है वो पढ़कर आगे पहुंचेगा, ठीक है। प्राइवेट स्कूल्स में क्या होता है कि थोड़ा प्रेशर डाला जाता है, रोज रोज बच्चों को बोला जाता है, ठीक है ना, थोड़ा बहुत मारा पीटा भी जाता है, तो वो बच्चे पढ़ लेते हैं, पास हो जाते हैं, लक अच्छा हुआ तो नंबर भी अच्छे आ जाते हैं, ठीक है ना, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पढ़ाई पर ध्यान देना है, चाहे वो पढ़ने वाले, अगर पढ़ने वाले बच्चे क्यों नहीं पढ़ते, क्योंकि वो कंसंट्रेट नहीं कर पाते हैं चीज पर,
एकाग्र चित नहीं हो पाते हैं, उनका ध्यान क्या है इधर उधर भटकता रहता है, इसलिए वो नहीं पढ़ पाते। और पढ़ने वाला बच्चों का ध्यान, उनको पता है कि मुझे इतने नंबर लाने, तो मुझे किसी भी किसी ना किसी तरह बैठ के मुझे पढ़ना है, वो पढ़ लेते हैं। तो मैं मतलब ये सब कहने मेरा क्या मकसद है कि तुम सब लोग पढ़ने लग जाओ, जो नहीं पढ़ते वो भी पढ़ो, और जो पढ़ते हैं वो ज्यादा पढ़ो, क्योंकि टाइम तुम्हारे पास अब ज्यादा नहीं है, बहुत कम टाइम है, मार्च में तुम्हारे एग्जाम हो जाएंगे, ठीक है ना। तो पढ़ाई में बिल्कुल अच्छे से मन लगा लो सारे बच्चे। पहले के मास्टर तो मार पीट के डंडे लगा लगो के बच्चों को पढ़ा लेते थे, आजकल हम नहीं करवा सकते ये चीजें, ठीक है ना। अब आगे क्या कह रहा है कि वसंत पाटिल नाम का एक लड़का शरीर से दुबला पतला था, किंतु था बड़ा होशियार। उसके सवाल जो थे हमेशा सही निकलते थे, स्वभाव से बिल्कुल शांत था, हमेशा वो पढ़ने में लगा रहता था। ये है पढ़ने वाला बच्चा, क्या नाम है इसका, वसंत पाटिल। घर से पूरी तैयारी करके आता होगा, वो सोचता, लेखक सोचता कि शायद घर से पूरी तैयारी करके आता है। दूसरों के सवालों की जांच करता था, जब उसके सारे सवाल होते थे तो मास्टर क्या करता था, उसको ये बोल देता था कि जो बच्चे हैं उनके सवालों को तुम देखो, जांच करो। मास्टर ने उसे कक्षा का मॉनिटर बना दिया था। पढ़ने में होशियार थे तो पहले के कौन बच्चे मॉनिटर बनते थे, जो बच्चे पढ़ने में होशियार होते थे वो मॉनिटर बन गया। हमेशा पहली बेंच पर बैठता बिल्कुल मास्टर के पास, कक्षा में उसका सम्मान था। आजकल के बच्चे क्या करते हैं, सबसे पीछे वाली बेंच पे जाके बैठते हैं, आगे वाली बेंच पे तो कोई बैठने नहीं चाहता, पीछे से स्टार्ट करते हैं बैठना, फिर जगह नहीं मिलती तो आगे फिर बैठना स्टार्ट करते हैं। तो वो बच्चा क्या होता, सबसे पहली बेंच पर बैठता था। मुझे ये लड़का मेरी अपेक्षा छोटा लगता था, उम्र में वो छोटा था, मैं उससे पहले ही पांचवी में पहुंच गया था, गलती से पिछड़ गया हूं मैं, इसलिए मास्टर को कक्षा की मॉनिटरी मेरे हाथ में सौंपनी चाहिए। लेखक क्या सोच रहा है कि एक तो मैं उससे उम्र में बड़ा हूँ, इससे पहले मैं पांचवी कक्षा में आया था, मुझे समझ ज्यादा हो या ना हो लेकिन वो सोच रहा था बड़ा मैं हूँ, तो ये जो कक्षा की मॉनिटरी है, इस क्लास का मॉनिटर मुझे बनाना चाहिए था मास्टर को, मुझे ऐसा लगने लगा। दूसरी ओर यह भी लगता था कि मुझे 2 महीने में पांचवी की पूरी तैयारी करके अच्छी तरह पास होना है, इसलिए कक्षा में दंगा करना और पढ़ाई की उपेक्षा करना मेरे लिए मुनासिब मतलब मुमकिन नहीं है। हम तो इस कक्षा में ऊपरी हैं, यह नहीं भूलना चाहिए, और इस कक्षा में सबसे ऊपर मैं हूँ, सबसे बड़ी आयु जो है वो मेरी है, सबसे बड़ी उम्र का मैं हूँ, तो मुझे हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए, इसलिए मुझे फालतू बातों में ध्यान बिल्कुल भी नहीं देना है। इन सब बातों के कारण मेरा सारा ध्यान पढ़ाई की ओर ही रहा और वसंत पाटिल की तरह ही पढ़ाई का काम करने लगा। मैंने अपनी किताबों पर अखबारी कागज के कवर चढ़ा दिए, अपना बस्ता व्यवस्थित रखने लगा, हमेशा कुछ ना कुछ पढ़ने बैठता था। उसने यदि कक्षा में यदि कोई शाबाशी का काम किया है तो मैं भी दूसरे दिन वैसा ही कुछ करने लगा। मन की एकाग्रता के कारण गणित झटपट समझ में आने लगा और सवाल सही होने लगे। इस लेखक ने क्या किया, अच्छे बच्चे के गुणों को ग्रहण किया, उसको लगने लगा कि यदि शाबाशी इसको मिल रही है तो मुझे भी मिल सकती है, ये पढ़ता है तो मैं भी पढ़ सकता हूँ, इसकी किताबें व्यवस्थित होती है बस्ते में तो मैं भी रख सकता हूँ, ठीक है। तो उसकी अच्छी बातों को उसने ग्रहण किया, सवालों को एकाग्र मन से करना शुरू किया, तो उसके सारे सवाल क्या होने लगे, सही होने लगे, ठीक है ना। तो हमें क्या करना चाहिए, कोई अच्छा बच्चा है उसके अच्छे गुणों को ग्रहण करना चाहिए। अब कभी कभी वसंत पाटिल के साथ फिर क्या होता था कि कभी कभी वसंत पाटिल के साथ साथ एक तरफ से तो वो और दूसरी तरफ से मैं लड़कों के सवाल जांचने लगा। इसके कारण मेरी और वसंत की दोस्ती जम गई, हम दोनों दोस्त हो गए। एक दूसरे की सहायता से कक्षा में हम अनेक काम करने लगे। मास्टर मुझे आनंदा कहकर बुलाने लगे और प्यार से मास्टर उन्हें आनंदा कहने लगे। मुझे पहली बार किसी ने आनंदा कहकर पुकारा, माँ कभी आनंदा कहती परंतु बहुत कम। मास्टरों के इस अपनेपन के व्यवहार के कारण और वसंत की दोस्ती के कारण पाठशाला में मेरा विश्वास बढ़ने लगा। अब उसको पाठशाला अच्छी लगने लगी
और वो पूरी लगन से पूरी मेहनत से पढ़ाई करने लगा। सौंदल गेकर मास्टर ये क्या थे, मराठी पढ़ाने के लिए आते थे। पढ़ाते समय वो स्वयं रम जाते थे, पढ़ाते समय वो स्वयं उस पढ़ाई में खो जाते थे। विशेष रूप से वे कविता बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़ाते थे। उनका गला बहुत सुरीला था, छंद की बढ़िया चाल और उसके साथ ही रसिकता थी उनके पास, यानी कि वो किसी भी कविता को, मराठी की जो भी कविताएं होती थी उनको बड़ा रस ले लेकर पढ़ाते थे, उसमें बड़े डूब कर उसका अभिनय करते हुए उसमें खोकर पढ़ाते थे। पुरानी नई मराठी कविताओं के साथ साथ उन्हें अनेक अंग्रेजी कविताएं भी याद थी। अनेक छंदों की लय गति ताल उन्हें अच्छी तरह से आते थे और पहले वे एकाध कविता गाकर सुनाते थे, ठीक है, फिर बैठे बैठे अभिनय के साथ कविता का भाव ग्रहण करते और जो भी उस कविता का भाव होता, हर्ष का, विषाद का, दुख का, मोह का, माया का, वो सारे भाव वो अभिनय के साथ करते थे, उन भावों को अपने अभिनय में दिखाते थे। उसी भाव की किसी अन्य कवि की कविता भी सुनाकर दिखाते और यदि एक जैसी कविता दो कवियों ने लिखी हुई होती तो वो उस कविता को भी गाते। बीच में कवि क्या करते, यशवंत, बोरकर, तांबे, गिरीश, केशव कुमार आदि के साथ अपनी मुलाकात के संस्मरण सुनाते थे। इन कवियों के साथ जो उन्होंने मुलाकात की, उनसे मिले थे, तो उनकी स्मृतियां, जो उनके यादें थी, वो क्लास के बच्चों को सुनाते और वो स्वयं भी कविता करते थे, स्वयं भी कविता लिखते थे। यदि उनको याद आ जाती तो वे अपनी भी एकाध कविता सुना देते। यह सब सुनते हुए, अनुभव करते हुए मुझे अपना भान ही नहीं रहता था। लेखक भी जो था वो भी उन कविताओं को अच्छे से सुनता, उनको अनुभव करता और वो भी उस कविता में खोकर अपने आप को भूल जाता था। मैं अपनी आंखों और कानों में प्राणों की सारी शक्ति लगाकर, दम रोककर मास्टर के हाव भाव, उसकी आवाज, उसकी गति, चाल और रस पीता रहता था। कान जो थे उसके पूरे सुनने में रहते थे, एक एक चीज को, एक एक शब्द को, राग को, छंद को, लय को, सबको, मतलब वो अच्छे से ग्रहण करता, ठीक है, और उस कविता का बड़ा रस लेता। कौन? आनंदा। सुबह शाम खेत पर पानी लगाते हुए या ढोर या जानवर चराते हुए अकेले में खुले गले से वो सारी कविताएं मास्टर के ही हाव भाव, यति गति और आरोह अवरोह के अनुसार ही गाता। जैसे उस कविता को वो मास्टर गाते सौंदल गेकर, वैसे ही ये लेखक भी गाता। उन कविताओं के अर्थों से खेलता हुआ मैं आगे पीछे आता जाता था, इन कविताओं को कभी आगे से कभी पीछे से दोहराता था। मास्टर जिस प्रकार बैठे बैठे अभिनय करते थे, मैं पानी लगाते लगाते वैसा अभिनय करता था। क्यारियां पानी से कब की भर गई है इसका भान भी नहीं रहता। मास्टर की चाल पर दूसरी कविताएं भी पढ़ी जा सकती है, इसका पता भी मुझे उसी समय लगा कि मास्टर जो राग उस कविता में गा रहे थे तो वो ही राग इस दूसरी कविता में भी सही बैठ सकती है। ये लेखक जो है, ये कवि है, ये कवि लेखक सब था, लेकिन कवि भी था, लेखक भी था, तो उसको ये बात भी पता चली और वो दूसरी कविताएं भी मास्टर की राग के साथ गाने लगा। उसी राग के साथ वो दूसरी कविताएं भी गा लेता था और काम करते करते उसको काम का, कविताओं में, लिखने में, पढ़ने में, उसके अर्थों में वो इतना खो जाता था कि उसको पता ही नहीं चलता था कि खेत में पानी की क्यारियां कब की भर चुकी है, ठीक है, उसका काम कब खत्म हो गया उसको पता ही नहीं चलता था। इन कविताओं के साथ साथ खेलते हुए मुझे दो बड़ी शक्तियां प्राप्त हुई, पहले ढोर चराते हुए पानी लगाते हुए, दूसरे काम करते हुए अकेलापन बहुत खटकता था, ठीक है, ये चाहता था कि कोई ना कोई साथ में हो, किसी के साथ बोलते हुए, गपशप करते हुए, हंसी मजाक करते हुए काम करना अच्छा लगता था। यानी कि जब इसकी रुचि कविताओं में नहीं थी, जब वो पाठशाला में नहीं जाता था, तब उसको जब भी खेतों में काम करता था तो उसको दूसरा साथ में कोई ना कोई चाहिए होता था, भाई हंसी मजाक करते हुए, गपशप करते हुए काम हो जाए तो ज्यादा अच्छा है, कोई ना कोई साथ में होना चाहिए ऐसा लगता था। लेकिन अब क्या है, अकेलेपन से कोई ऊब नहीं होती,
मैं अपने आप से ही खेलने लगा। उल्टा अब तो ऐसे लगना लगा कि जितना अकेला रहूं उतना अच्छा है। इस कारण कविता ऊंची आवाज में गाई जा सकेगी, किसी भी तरह का अभिनय किया जा सकेगा। कविता गाते गाते थुई थुई करके नाचा जा सकता है, थुई थुई मतलब उछल कूद करके नाचा जा सकता है। और मैं कविता गाते गाते मतलब सचमुच ही नाचने लगता था। दो बड़ी शक्तियां प्राप्त क्या हुई थी लेखक को, एक तो वो अकेले रहना चाहता था। अकेले रहना चाहता था तो क्यों रहना चाहता था, कि वो कविताओं का अभिनय भी कर सकता था, नाच भी सकता था, उसको ऊंची आवाज में गा भी सकता था। ये सारी शक्तियां उसको प्राप्त हुई, ठीक है ना। तो किसी के सामने ऊंची आवाज में गाने से, अभिनय करने से, नाचने कूदने से क्या होता है, संकोच होता है। तो वो ये चाहता था, खेती में काम करते समय ये चाहता था कि मेरे पास कोई भी ना रहे, मैं जो कविताएं लिख रहा हूँ, गा रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ उसमें मैं अकेला रहूँ और अपने अनुसार उसको मैं गा सकूँ। तो मैंने अनेक कविताओं को अपने खुद की चाल में गाना शुरू कर दिया, मतलब खुद की राग में गाना उसने कविताओं को शुरू कर दिया। अनंत काणेकर की कविता जिसकी पहली पंक्ति इस प्रकार है, चांद रात पसरीते पांडरी गया धरनी, मराठी की लाइन है, ठीक है, मराठी कविता की पंक्ति है। इसको मैंने मास्टर की चाल से अलग अपनी चाल में बिठा कर गई, मास्टर की राग से। इस कविता को मास्टर ने तो दूसरी राग में गाया, लेकिन मैंने इसको दूसरी राग में गाया। तो मतलब लेखक को कविता गाते गाते इतनी समझ हो गई थी कि वो राग भी बिठाने लगा। यह चाल एक सिनेमा के गाने के आधार पर थी और वो गाना केशव कर्णी जाति नामक छंद में था। उस कविता को मैं मास्टर की अपेक्षा ज्यादा अभिनय के साथ गाता था, गाते गाते मास्टर से ज्यादा अभिनय करता था, चेहरे पर कविता के भाव पैदा करने का प्रयत्न करता था, जो कविता में भाव थे वो भाव वो अपने चेहरे पर लाना चाहता था। मास्टर को मेरा प्रयत्न इतना अच्छा लगता कि उन्होंने छठी सातवीं कक्षा के सभी लड़कों के सामने मुझे बुलाकर गवाया, ठीक है, और पाठशाला के एक समारोह में भी उसे गवाया गया। इसके कारण मुझे लगा कि मेरे कुछ नए पंख निकल आए हैं, इसके कारण लेखक को लगा कि मुझे नई उम्मीदें मिल गई हैं, ठीक है, मतलब मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ। यदि समारोह में मुझसे कोई कविता गवा दी गई है तो इसका मतलब है मुझे कविता की समझ आ गई है, छंद लय यति गति आरोह अवरोह इन सब की समझ थोड़ी बहुत मुझ में हो गई है, ठीक है, और पंख लग गए मतलब मैं अब और आगे बढ़ सकता हूँ, ठीक है, बाकी का बेटा अपन कल पढ़ेंगे। ओके बाय सबको, बाय मैम।